अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जिसमें आप लोगों को पे लेटर का सर्विस मिले, आपका क्रेडिट कार्ड का सर्विस मिले, आपका पर्सनल लोन का सर्विस मिले, सो इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को सारा फीचर्स प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली ये एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी टाइम से आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, हो सकता है आप यूज़ करके छोड़ चुके हो। जैसे मैं पहले काफ़ी समय से यूज़ कर रहा था, उसका अकाउंट भी है, मैं यूज़ करके छोड़ चुका हूँ, लेकिन अब उसमें बहुत ही ज़्यादा सर्विस आ चुका है। जैसे अगर आपको ट्रेवल के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको मिल जाएगा इसमें, अगर ट्रेवल के लिए आपको लोन चाहिए वो भी मिल जाएगा, ट्रेवल के लिए पे लेटर चाहिए वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में आप पूरा लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, क्या क्या आप लोगों को इसमें फीचर्स मिलेगा, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, सब कुछ आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम आ चुके अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले तो भाई एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सिंपल सा इसे इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा आपका मेल आईडी, आपका ऑलरेडी अकाउंट है सो सिंपल सा करना क्या होगा, अकाउंट आप लोग को लॉगिन कर लेना है। अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप लोग को मेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, आपका मेल आईडी से यहाँ पे आप लोग का अकाउंट जो रहेगा लॉगिन हो जाएगा। सो देख लीजिए यहाँ पे सक्सेसफुल मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। नाउ उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा हमें इसमें अपना लोन का, क्रेडिट कार्ड का, पे लेटर का सर्विस यूज करने के लिए यहां पे आपको ट्रिप मनी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहां पे एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे सब कुछ हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ट्रेवल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे मेरे को रिकमेंड भी कर रहा है कि आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको यूज करके क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस यहां पे लेटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और ये जो एक आपको देखने को मिल जाएगा ये जो कार्ड है फॉरेक्स का, ये अभी कमिंग सून है, सो अभी आपको नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ट्रेवल लोन का बता दूं। सो देखो यहां जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो यहां पे ट्रेवल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, इंश्योरेंस को हो गया, क्रेडिट कार्ड का हो गया, आप इसे इजी तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहले नंबर आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा एंड इसका आप लोगों को पार्टनर देखने को मिल जाएगा, आईसीआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, यानी तो यहां पे आदित्य बिरला हो गया, जेस्ट मनी वगैरह यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल से यहां पे अपना नंबर वेरीफाई करके आगे का सेम प्रोसेस रहता है, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल एंड उसके बाद आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपका केवाईसी करना पड़ता है, उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट मांगा जाएगा या नहीं तो आपका नेट बैंकिंग के थ्रू यहां पे लॉगिन करने का बताया जाएगा आपका, अगर बैंक अकाउंट है तो। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपका पर्सनल लोन या ट्रेवल लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो अदरवाइज आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड अब रह गया कि भाई यहां पे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जैसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर एंड यहां पे फाइंड योर क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके आप इसे फाइंड कर सकते हो कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। बेसिकली यहां पे बताया गया है कि इंस्टा अप्रूवल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहां पे तुरंत आप लोगों को अप्रूव मिल जाएगा, प्लस एसबीआई का कार्ड आपका आएगा, एसबीआई के थ्रू यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल से यहां पे मोबाइल नंबर एंड यहां पे पैन कार्ड अपना फिल कर देना है, फाइंड योर कार्ड पे क्लिक कर देना है, तो भी आपके सिविल स्कोर के बेसिस के हिसाब से क्रेडिट कार्ड रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को बता दूं भाई, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का सेम प्रोसेस रहेगा जो आप अपने पर्सनल लोन में करते हो। सिंपल सा उसमें आप लोग को बैंक अकाउंट नहीं मांगा जाएगा, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो ऑलरेडी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है इस वजह से मैं यहां पे अप्लाई नहीं कर रहा हूं। अगर आपको चाहिए कि मेरे को तुरंत भाई क्रेडिट कार्ड मिल जाए, मैं उसे यूज कर सकूं, सो ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो दे रखा हूं, आप क्रेडिट बी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, न्यू है एंड काफी है, उसका फीचर्स अच्छा है, इस वजह से मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा। एंड मैं यहां पे लोन भी अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टेसफिन का लोन ले चुका हूं। स्टेसफिन का बेनिफिट यह है ना कि आपको लोन दिया जाता है एंड लोन का जैसे अमाउंट आप पे कर देते हो तो आपको उसी जितना अमाउंट आपका रहेगा, जितना आपका वहां पे एलिजिबल रहते हो जितने लिमिट के लिए, उसी लिमिट के बेसिस पे एक आपको क्रेडिट कार्ड भी दे दिया जाता है लास्ट में। एंड जैसे आपका वहां पे क्राइटेरिया जो पार हो जाता है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा स्टेसफिन का, जो आप लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हो। सो इस वजह से यहां पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा, आप इसे चाहो तो अप्लाई कर सकते हो भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल से मैं आप लोगों को प्रोसेस बता चुका हूं क्या प्रोसेस रहेगा। एंड यहां पे पर्सनल लोन का बात करें तो जैसे आप क्लिक करोगे तो पैन नंबर आपका, यहां पे नाम, यहां पे आपका जेंडर एंड यहां पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका करंट पिन कोड जो जहां पे आप रह रहे हो वही पिन कोड इधर फिल करना है, मोबाइल नंबर, मंथली इनकम, कंपनी का नाम, अगर सैलरी बेसिस पे करते हो तो यहां पे कंपनी का नाम, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहां पे आप लोगों को जो भी आपका बिजनेस होगा उसका नाम फिल कर देना है, एग्री टर्म एंड कंडीशन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहां पे पावर बाय आपको देखने को मिलेगा, इंडिया लैंड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपका पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहां पे आपका वेरीफाई होगा, आईपी वगैरह वेरीफाई कर देना है। एंड उसके बाद आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा, कितना आपको लिमिट यहां पे दिया जा रहा है। सो इस तरह आप इसको यूज करके भाई पर्सनल लोन या ट्रेवल लोन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अब रहेगा भाई पे लेटर का, पे लेटर पर जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो ना, देख लीजिए पे लेटर पर मैंने क्लिक किया तो यहां पे बताया जा रहा है चेक एलिजिबिलिटी, आप यहां पे अपना नंबर फिल करके ओटीपी वेरीफाई कर सकते हो। नीचे में देख लीजिए यहां पे इनका पार्टनर कौन सा है, जैसे जेस्ट मनी हो गया, फेडरल बैंक हो गया, सिंपल पे लेटर जो आप लोग एक वीडियो में पहले दे
चुका है। एंड यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ओला मनी का ऑप्शन है, कोटक महिंद्रा है जो इनका पे लेटर है, फ्लेक्स पे यहाँ पे HDFC बैंक के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेजी पे बहुत सारा इनका पार्टनर देखने को मिल जाएगा। सो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है भाई, फेक एंड फ्रॉड का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। यहाँ पे नंबर फिल करके एंड पे लेटर कैसे एक्टिवेट करना वो आप यहाँ पे समझिए। सो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर फिल कर दिया, चेक एलिजिबिलिटी पे मैंने क्लिक कर दिया, सो यहाँ पे OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर देना है। सो यहाँ पे मैं काफी टाइम ट्राई कर चुका हूँ, मेरा OTP नहीं आ रहा है। रीजन यहाँ पे बताया, जरा वी आर फेसिंग टू टेक्निकल इशू, इनका हो सकता है कोई टेक्निकल इशू है, सो इस वजह से मेरे को OTP रिसीव नहीं हो रहा। सो दोबारा मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप या नहीं तो यहाँ पे रिसेंट OTP पे क्लिक किया, देखते आता है नहीं आता है। लेकिन देखो मैं आप लोग को यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप पे लेटर यूज करना चाहते हो सो इजी तरीके से आप इसको यूज कर पाओगे। अपने सिंपल से यहाँ पे डिटेल वेरीफाई करना है, जैसे पर्सनल आपका डिटेल रहेगा, आपका बैंक डिटेल वेरीफाई करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बैंक डिटेल आपको इजी तरीके से ऑनलाइन आप वेरीफाई कर सकते हो, ऑफलाइन आप लोग को वेरीफाई नहीं करना। मैं यहाँ पे अभी अपना पे लेटर एक्टिवेट कर देता लेकिन मेरे को यहाँ पे OTP का प्रॉब्लम आ रहा है, सो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ आगे क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे आधार कार्ड, OTP, आपका पैन नंबर, ये फिल करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप लोग को अपना बैंक डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, कौन सा आप बैंक अकाउंट अपना लिंक करना चाहते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको यूज करना चाहते हो करिए, इसमें मैं आप लोग को कुछ भी नहीं बोलने वाला, आप लोग को कोई भी फ्रॉड एंड यहाँ पे फेक का चांसेस नहीं है भाई, अच्छा है। आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर लीजिए। आप लोगों को जो भी ये डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। अगर इसके रिलेटेड में फिर भी आगे कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे को भाई इंस्टा पे आप DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई वीडियो पसंद आया होगा, भाई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।